हेलो व्यूअर्स, वेलकम। अभी हाल ही में आप देख रहे हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। रूस के समर्थन में भारत ने अपनी कुतुब मीनार पर रूसी झंडा लगाया है। इसका एक ट्वीट चाइनीज न्यूज़ मीडिया कंपनी ग्लोबल टाइम्स ने किया है, आप देख सकते हैं। बात यह सच है या झूठ है, हम आपको इसमें दिखाते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट के साथ कुतुब मीनार की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में कुतुब मीनार को नीले और लाल रंग में देखा जा सकता है। चीन भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साजिश रचकर झूठ फैलाने की मुहिम में लगा रहता है, और इसी एक कड़ी में चीन ने भारत की छवि को धूमिल करने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने अपने 7 मार्च के ट्वीट में बताया कि दिल्ली में कुतुब मीनार की इमारत को रूसी झंडे के रंग से रोशन कर दिया गया है। चीन ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने के लिए यह झूठ फैलाया। ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट के साथ कुतुब मीनार की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में कुतुब मीनार को नीले और लाल रंग में देखा जा सकता है। इसी नीले और लाल रंग को आधार बनाकर चीन ने यह झूठ फैलाया ताकि पूरी दुनिया को एक अलग ही संदेश जाए और लोगों के मन में भारतीयों के प्रति एक द्वेष और वैमनस्य की भावना पैदा हो। हमारे भारत के पीआईबी फैक्ट चेक में ग्लोबल टाइम्स का यह दावा गलत निकला है। फैक्ट चेक में उन्होंने पाया कि लाल किले पर नीले रंग और लाल रंग के थीम के अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स ने किस तरह से झूठ फैलाया और हमारे पीआईबी फैक्ट चेक ने कैसे उनको जवाब दिया है। हमारे पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा, ग्लोबल टाइम्स न्यूज हैज क्लेम्ड इन अ ट्वीट दैट कुतुब मीनार वाज लिट अप विद द कलर्स ऑफ रशियन फ्लैग। कुतुब मीनार वाज इल्यूमिनेटेड एज ए पार्ट ऑफ द जन औषधि दिवस 2022 सेलिब्रेशन। दिस क्लेम इज मिसलीडिंग। साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ने भी इसके बारे में बताया हुआ है। केवल रंग देखकर झूठ फैलाने वाले चीन ने एक भी बार इन फोटो की सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, या फिर सच्चाई को जानबूझकर इग्नोर किया गया ताकि एक झूठ फैलाया जा सके भारत के बारे में। दरअसल यह सच्चाई है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर कुतुब मीनार को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के थीम के रंग में रंगा गया था, और इसकी जानकारी खुद भारत सरकार ने अपने न्यूज पोर्टल मीडिया में दी। तो आप देखते हैं कैसे चीन भारत के खिलाफ एक तरह का साजिश करने में लगा रहता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।